कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कल मैंने पढ़ाया था न्यूरॉन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन के टाइप को मैंने बताया था, न्यूरॉन के टाइप्स को, कई प्रकार की न्यूरॉन होती हैं। तो मैंने कल आपको बताया था न्यूरॉन कितने वैरायटी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इधर देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक मीसोडर्मल ओरिजिन, एक एंडोडर्मल ओरिजिन, तो क्या बताएंगे? एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है पहली बात। दूसरी बात, न्यूरॉन जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार, किसके लिए जिम्मेदार होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी के लिए, बॉडी को एडजस्ट करता है, बॉडी के लिए इतने भी सेंस हैं, सारे सेंस के लिए जिम्मेदार कौन होता है? नर्वस सिस्टम। आईज देख रही है तो भी क्या होता है, इधर देखिए, आँख देख रही है तो भी क्या, ऑप्टिक नर्व, कान सुन रहा है ऑडिटरी नर्व, टेस्ट ले रहे हैं जीभ से आप ओल्फैक्टरी नर्व, बोलिए ना ओल्फैक्टरी नर्व, आप जो क्या कर रहे हैं, सॉरी नोज से जो सूंघ रहे हैं, इसको बोलते हैं ओल्फैक्शन, सूंघना, उसके लिए ओल्फैक्टरी नर्व, और स्वाद के लिए, स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए कौन होता है? टेस्ट के लिए जो होता है वह होता है आपका टेस्ट बड्स, जिसमें होती है कौन, टेस्ट के टेस्ट बड्स होती हैं, उसके लिए होता है फेसियल और ट्राइजेमाइनल नर्व, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे सब नर्व अपना काम करती रहती है। तो सब प्रकार के न्यूरॉन को मैं बताया था कल, आज फिर बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। देखो इधर ध्यान है, किधर, इधर देखिए, कुछ नहीं, ये देखो न्यूरॉन, पहला है नॉन पोलर, कल बताए थे हम, नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एग्जॉन एंड डेंड्राइट्स, कल बताए थे ना, अरे बोलिए ना यार, हाँ क्या, नॉन पोलर न्यूरॉन में नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एग्जॉन एंड डेंड्राइट्स, कहाँ पर आता है, एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रा, चलो, अरे सिलेंट्रेटा कह लो ना यार, हाइड्रा का गारंटी कहाँ नहीं के पास रही है, सिलेंट्रेटा बोलो ना, बोलिए। दूसरा है यूनिपोलर, दूसरा कौन है, यूनिपोलर, मैंने एक लाइन की बात, बस इसमें क्या होगा, सिंगल एग्जान होगा, क्या होगा, सिंगल एग्जान होगा, नो डेंड्राइट्स, क्या था, नो डेंड्राइट्स, सब लिखवाए थे हम आपको, एक क्लू बता के बता दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल होगा कौन, ये देखो इनवर्टिब्रेट में एग्जाम्पल इसका होगा, इनवर्टिब्रेट में एंड वर्टिब्रेट इम्ब्रियो में, वर्टिब्रेट इम्ब्रियो में बताया था ना मैंने, इम्ब्रियो में। तीसरा था बाइपोलर न्यूरॉन, तीसरा था क्या, बाइपोलर न्यूरॉन, तो कल बताया था मैंने क्या, सिंगल एग्जॉन सिंगल डेंड्राइट्स, क्या सिंगल एग्जॉन सिंगल डेंड्राइट्स, तो क्या हो गया, सिंगल एक्सॉन सिंगल डेंड्राइट्स, एग्जाम्पल इसका है ईयर आईज नोज, बोलिए ना, ये आपकी बात बता रहे हैं हम, भैंस गाय का भी हो सकता है, मैमल्स है तो हैं, भैंस गाय सुअरों में ही होगा, सुअर देखे हो ना। चौथा मल्टीपोलर
मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होगा? सिंगल, आप बोलिए, हम क्यों बोलें जी? सिंगल क्या होगा? सिंगल एक्सॉन होगा एंड सेवरल डेंड्राइट्स। आपसे कथन की पुष्टि करने के लिए कहे ए न्यूरॉन है, इधर देखिए, कथन की पुष्टि करने के लिए कहे। कथन की पुष्टि का मतलब होता है कि जो ट्रू एंड फाल्स होता है, समझ रहे हैं ना, ट्रू एंड फाल्स, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि न्यूरॉन मे कंटेन, न्यूरॉन मे कंटेन सिंगल डेंड्राइट्स सेवरल एक्सॉन। कथन सही है गलत है? न्यूरॉन में कंटेन कर सकता है सिंगल डेंड्राइट्स एंड सेवरल एक्सॉन। कथन सही है गलत है? क्या बताएंगे आप? नहीं, एक न्यूरॉन एक एक्सॉन को रखती है और सेवरल डेंड्राइट्स को रख सकती है, लेकिन एक डेंड्राइट्स को सेवरल एक्सॉन को नहीं रख सकती। तो कथन दे देगा फाल्स, ट्रू वाला क्वेश्चन आता है ना, तो ट्रू एंड फाल्स क्वेश्चन में दे देगा कि इधर देखिए, ए न्यूरॉन सेल कंटेन सेवरल एक्सॉन एंड सिंगल डेंड्राइट्स, ट्रू आर फाल्स। तो आप क्या बताएंगे? सेवरल एक्सॉन सिंगल डेंड्राइट्स, सही है गलत है? बताइए, फाल्स है ना, क्यों? अरे प्रभु जी, गधे नहीं, देखो इधर क्वेश्चन है ट्रू एंड फाल्स के लिए। न्यूरॉन कंटेन सेवरल एक्सॉन बट सिंगल डेंड्राइट्स, बोलिए सही है गलत है? क्वेश्चन सही गलत है? गलत है, ये ट्रू नहीं है, फाल्स है। क्यों? क्योंकि एक न्यूरॉन सेल कभी एक से ज़्यादा एक्सॉन नहीं रख सकती, डेंड्राइट से ज़्यादा रख सकती है। तो क्या, इधर देखिए, सेवरल एक्सॉन है सिंगल डेंड्राइट, गलत हो गया। यहीं पर अगर इधर देखिए ट्रू, ये क्या हो गया? फाल्स हो गया, क्वेश्चन गलत, मतलब कथन गलत है। ये क्वेश्चन गलत नहीं, कथन गलत है, जो उसने व्यू दिया हुआ है वो क्या है? गलत है। इरेज करें, इसी को हम उल्टा कर दें। न्यूरॉन कंटेन क्या? सिंगल एक्सॉन बट सेवरल डेंड्राइट्स, क्वेश्चन पूछता है ना ऐसे, सेवरल डेंड्राइट्स, बताइए कथन सही गलत है? अब कथन सही गलत होगा, ट्रू हो जाएगा यार, एक एक्सॉन है मगर सेवरल डेंड्राइट्स, सिंगल एक्सॉन सेवरल डेंड्राइट्स है, तो सही होगा ना? बोलिए, ये कथन क्या है? ट्रू है। फिर क्वेश्चन अगर पूछ दे, इधर देखिए, क्वेश्चन अगर पूछ दे, अगर उसने क्या किया, क्वेश्चन पूछ दिया यूनिपोलर न्यूरॉन कंटेन, इधर देखो, यूनिपोलर न्यूरॉन कंटेन सिंगल डेंड्राइट्स, कथन सही है गलत है? गलत है, यूनिपोलर में सिंगल एक्सॉन होता है, बोलिए ना, ये बात समझते रहिए। ट्रू एंड फाल्स वाला क्वेश्चन इसे सजमा देता है, सजमा नहीं लड़के कर पाते हैं, बोलिए यार। अब आप देखिए एग्जांपल इसका कौन है, कोई भी हो सकता है, वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं। अब इसमें मल्टीपोलर न्यूरॉन में दो होता है, कल बताया था मैंने, मल्टीपोलर न्यूरॉन में दो, कौन कौन, कल लिखा था मैंने, नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, पहला हो गया इसमें ए,
बी हो गया माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन हो गया ना बेटा। तो देखो अब आप इसमें कौन होगा, इसमें कुछ लीजिए देखिए, ऑल वर्टिब्रेट्स होंगे एक्सेप्ट कौन, मैमल। तो मैमल कहाँ होगा, इसमें होगा, ये मैमल है। अब आपको याद करने का तरीका मैंने बताया था क्या, केवल इसको याद करें माइलिनेटेड वाले को। इधर देखो, इधर देखो बेटा, सी टुवर्ड्स मी फॉर वन मिनट, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क। कोई प्रॉब्लम पूछिए ना, नहीं पूछेंगे गुस्से में। ये देखो भाई पूछे, हाँ बता पूछे बेटा तू। जब आ गया जाए तो ना बता। अच्छा ईयर में क्या बता रहा था, ईयर आई नोज में तीनों होता, बस जान लो। गूगल पे नहीं बताया, किताब में देख लीजिए जाके, कौन किताब देखे वो सब में मिलेगा। किसमें तो मतलब एनसीईआरटी में आई है तो आई एफ खरी लिखो तो आई याद कर लो, हमको क्या प्रॉब्लम है। हम ये देखो अगर आई ही याद करना चाहे अभी आई ही याद करो, हम क्या करें ईयर नोज बताने जाए। आप फालतू इतना टाइम वेस्ट करोगे, एनसीईआरटी में आई तो आई याद कर लो बस। लेकिन ईयर नोज में भी होता है ये, हम लोग पढ़ाते हैं पूरा स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाते हैं, उसमें डालो जरा नोज में क्या बाइपोलर न्यूरॉन होता है ऐसे करके डालो, क्या ईयर में बाइपोलर न्यूरॉन होता है कैसे करके डालो, तब समझ में आएगा ना। वो तो एनसीईआरटी उठा के दे ही दिया कि आईज में होता है, बस बस खत्म। अब उसमें नोज में डालो क्या, देखो बाइपोलर न्यूरॉन क्या नाक में होता है, नेजल एपिथेलियम में बाइपोलर न्यूरॉन होता है, नोज में कर दो, ईयर में कर दो, ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई डिजर्ट नहीं है। हाँ आपके एनसीईआरटी में आईज के बोले तो आईज याद करो, ठीक है, काका दू ठेऊ रात करो बकवास फालतू। लेकिन यहीं तो अगला अगला है कुछ समझ लो, यहाँ से वहाँ तक तीन ही है, तीन बोलिए ना, कानपुर, नागपुर और आँखपुर, बस तीनों सही है, कोई दिस डेट नहीं है। और देखो इधर अब क्वेश्चन पूछेगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखिए ऑल वर्टिब्रेट्स कंटेन, ऑल वर्टिब्रेट्स कंटेन माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्या ये कथन सही है, ऑल वर्टिब्रेट्स कंटेन माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्या ये कथन सही है, गलत है, ये भी गलत है, फाल्स हो गया, बोलिए ना। फिर कहे ऑल इनवर्टिब्रेट्स, देखिए फिर क्वेश्चन पूछे ऑल वर्टिब्रेट्स कंटेन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्या सही है, नहीं तब वो सही जाए, गलत हो जाएगा। लेकिन ऑल वर्टिब्रेट्स मल्टीपोलर न्यूरॉन पूछे तब क्या बोलेंगे, सही है। तो समझ में आ गई बात, ये हो गया आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मैमल्स, माइलिनेटेड न्यूरॉन मैमल्स में, इसी मैमेलियन न्यूरॉन का आपको फिगर बनाना था, आज बनाने जा रहे हैं, था नहीं है, इसी का फिगर बना के दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन बता रहा हूँ कथन कैसे सही कर सकते हो, समझ रहे बेटा, कथन पे ध्यान दो। जैसे पूछ दिया यूनिपोलर न्यूरॉन कंटेन सिंगल एक्सॉन एंड नो डेंड्राइट, कथन क्या हो गया, सही हो गया। वहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया यूनिपोलर न्यूरॉन कंटेन सिंगल डेंड्राइट्स बट नो एक्सॉन, उलट गया, फाल्स हो गया, बोलिए ना। कथन तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो आप दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ भेजे में भेजा होना चाहिए, भेजे में आपने भेजा हो तब काम बनेगा, क्या भेजा हो, पढ़ पढ़ के इसे ठूंसे हो आप तब निकलेगा, एग्जाम के समय में निकलेगा, भर 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 निकलेगा, पूरा पेपर फाड़ के आ जाओगे इसे, सर जी पूरा क्वेश्चन कर डाले हम, बोलिए ना। और एनसीईआरटी के बाहर सारा नहीं, ये भी आपको पता है, एनसीईआरटी में भी पढ़ाता हूँ, जो समय मैंने पूछा करो तुरंत एनसीईआरटी खूब पढ़ो। अब एक थे आई था तो एक आठ नाक कान ना मिला हो,
कल ये बहुत परेशान थे, उन्हीं का परेशानी का हम निवारण करने जा रहे हैं। कहें सर जी आप यूनिपोलर बाईपोलर मल्टीपोलर को बता दिए लेकिन हम इसमें निशल करूँ आप बताइए। भाई नहीं कि हम क्या बताने जा रहे हैं। इन्होंने कहा सर जी मेगा कैरोसाइट आपने नहीं बताया, हम क्या बेटा बताएंगे कब, जहाँ पे हम पढ़ाएंगे क्या, जहाँ पे पढ़ाएंगे हम जो है मेगा कैरोसाइट है, बोन मैरो सेल्स हैं, स्टेम सेल हैं, ये सब मैं जब पढ़ाऊँगा कहाँ पर, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको इम्यूनिटी सिस्टम इम्यून सिस्टम, तो उसमें सब आएगा, मेगा कैरोसाइट भी आएगा, रेड बोन मैरो भी आएगा, वाइट बोन मैरो भी आएगा, येलो बोन मैरो भी आएगा, सब कुछ वहाँ मिलता है, स्टेम सेल भी मिलता है, बिकता है, खरीदो 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो मार्केट मिलता है, 650 रुपये किलो हो गया है बोन मैरो। अरे बकरा नहीं मिलता और एक आदमी बोन मैरो निकाल के जो बेच खरीदे पौन इनके यहाँ पौने 700 हो गए। अच्छा ठीक है समझे हो, इसीलिए बकरा जो खाने वाले जो चनाक होते हैं, इधर देखो बकरा खाने वाले जो चनाक होते हैं वो क्या करते हैं, बकरे का नल्ला लेते हैं, नल्ला समझ रहे हैं ना, ऐसे करते हैं, इसमें होल रहता है, ऐसे करते अंदर चला जाता है, तो वही बोन मैरो है जो अंदर चला गया, वही क्या है बोन मैरो। इधर देखिए वो आपके RBC WBC फार्मेशन में हेल्प करते, उसकी जो प्रोटीन जाएंगे सब आपको बनवाएंगे, बोलिए ना, नुकसान दे नहीं है, फायदेमंद है, बकरा रोज खाना चाहिए, रोज मत खाओ, एक हफ्ते में 3 दिन सावन भादो, ये देखो सावन भादो कुल खाओ, सब भगवान का दिन है, भगवान का दिन मान के रोज खाओ, दूसरे तीसरे 3 दिन पे गैप मार खाइएगा, रोज खा लो किडनी फेल हो जाएगी, गाय प्रोटीन इतना ज़्यादा होता है कि छानते छानते किडनी गायब, कब हम किडनी खा रहे थे बकरे का, हमारी किडनी गायब हो गई, उलट जीव तुरंत है, समझ रहे हैं ना। तो एक हफ्ते में वैसे 2 दिन खाना चाहिए, अगर बहुत बहादुर हैं आप तो एक हफ्ते में मान लीजिए रविवार रविवार के बीच बुधवार खा लिए, एक टाइम ही ना सुबह शाम रख के फ्रिज में 3-4 बार खाएं, ये मत सोचिएगा। सुनो स्ट्रक्चर ऑफ माइलेटेड न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ माइलेटेड न्यूरॉन बात नहीं करेंगे आप, माइलेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए, दिखा दें, मानेंगे नहीं आप लोग, ये देखें फिगर,
इधर देखो हो गया, ये फिगर आपको बनाना भी है। बहुत तेज मत बनाइएगा, अगर कम तेज है थोड़ा बना लीजिएगा। क्योंकि बनाने से काफ़ी चीज़ याद हो जाती है। ये देखिए साइटान क्या है, ये साइटान मेन सेल बॉडी। न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट, मेन सेल बॉडी, साइटान, डेंड्राइट्स और एग्जॉन। न्यूरॉन के क्या पार्ट, तीन। क्या क्या इधर देखिए बोल रहा है फिगर, ये साइटान हो गया नंबर एक, दूसरा हो गया नंबर दो डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, और तीसरा हो गया ये एक्सॉन। कौन हो गया ये एक्सॉन, तीसरा हो गया। तीन पार्ट न्यूरॉन के होते हैं, किसके हैं, थ्री पार्ट ऑफ न्यूरॉन, थ्री पार्ट ऑफ न्यूरॉन। और देखना पसंद करेंगे, देखे इधर हुआ। अब इसके बाद देखिए, ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये है निसल ग्रैन्यूल, निसल्स ग्रैन्यूल। किसका बना होता है निसल्स ग्रैन्यूल, निसल्स ग्रैन्यूल किसका बना होता है, राइबोसोम का, आर ई आर का। किसका बना होगा, राइबोसोम का बना होता है प्लस आर ई आर का बना होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आया, समझ में आता होगा। ये है न्यूक्लियस, क्या है ये, लेकिन क्या अब्सेंट होगा, सेंट्रियोल अब्सेंट होगा। सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, मगर केवल सेल ऑर्गेनेल्स क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस क्या नहीं होगा, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोलो ने कहो सेंट्रोसोम को, बोलिए ना सेंट्रोसोम को, पूरी बात बताओ, आधा का है बताओ। समझ में आया, इसीलिए इधर देखिए, इसीलिए न्यूरॉन सेल जो होती हैं, इधर देखिए ना आप, इसीलिए न्यूरॉन सेल जो होती हैं बर्थ के बाद डिवाइड नहीं करती, क्योंकि उसके बाद सेंट्रियोल होता ही नहीं, सेंट्रियोल नहीं, इसलिए बर्थ के बाद वो डिवाइड नहीं करती। नो डिवीजन इन न्यूरॉन सेल, क्वेश्चन पूछता है कौन सी कोशिका आपके बॉडी में है जो बर्थ के बाद डिवाइड नहीं करती, वो न्यूरॉन सेल। क्यों ऐसा है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं है, सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रियोल उसमें होता है नहीं है सार, तब था हाँ, अब गायब हो गया, आपकी इच्छा थी तो गायब हो गया, क्या करेंगे, डिसएपियर होगा, डिसएपियर होगा, उसकी इच्छा कह गई कि हम आज डिसएपियर होंगे, इसलिए डिसएपियर होगा। जान रहा था कि देखे, सब जान रहे थे कि इतना ब्रेन तो दे दिया उन्होंने, कितना खुराफात कर रहे हैं, और थोड़ा डिवाइड करने की क्षमता दे देंगे तो पता लगा चार चार ब्रेन बनाने लगेंगे सब उसी में से, इसलिए डिवाइड करने की क्षमता खत्म कर दिया। यह देखो सुनो, ये तो बात हो गई, इधर बात समझ में आई, एक्स क्या है, सेंट्रोसोम नहीं, इसलिए सेल डिवाइड नहीं करते। ये एक्सॉन है मेन, इधर देखिए मेन बॉडी, एक्सॉन हमेशा एक होता है, डेंड्राइट्स एक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, बोलिए ना। इसका नाम है स्वान सेल, इनको जानते हो ना, यस SCHWANN, स्वान्स सेल, स्वान सेल्स, समझे हो, ये स्वान सेल्स होता है। इसके अंदर है माइलिन सीथ, कौन है,
माइलिन सीथ, सुनिए भाई, माइलिन सीथ आ गया जा, तू बतिया इधर किसको, और या तो किधर खिसक जाओ, तू इधर किसको भैया था इसे बाबू, हाँ इसे बतिया ना काने में, कोई पूछना पूछना से पूछ लिए। ये देखो स्वान सेल्स, स्वान सेल ही क्या सिक्रेट करता है माइलिन सीथ को, स्वान सेल क्या करता है फार्म बनाता है, फार्म क्या बनाता है, बनाता है इट फार्म माइलिन सीथ, माइलिन सीथ बनाता है क्या सिक्रेट करके फैटी सबस्टेंस, माइलिन सीथ किसका बना होता है फैट का, फैटी सबस्टेंस दे तब वो लिख दियो, हाँ सही है फैट देगा तब वो सही है, बोलिए ना, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, नहीं माइलिन सीथ कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं होता है, बीच बीच में क्या होता है गैप, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, आकाश कुमार देखते रहिएगा, नोड ऑफ रेनवियर्स, रेनवियर्स की नोड, साइंटिस्ट थे रेनवियर, उन्होंने खोजा था इसलिए उनके ऑनर में सम्मान में नाम रख दिया गया, समझ रहे, हाँ रणवीर तू कर दो और दीपिका पादुकोण को साथ लगा दियो, ठीक है नोड ऑफ रेनवियर हो गया, कोई टेंशन। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये टीलोडेंड्रिया है, देखो इधर टीलोडेंड्रिया एक्सान की ब्रांचेस को टीलोडेंड्रिया कहते हैं, क्या बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, ऐसे बोला जाता है, जब खाए पिए रहेंगे तो एनर्जी ही वे करेगी, टीलोडेंड्रिया कहते हैं, ये कौन है सिनेप्टिक नॉब, कौन है सिनेप्टिक नॉब, इसी सिनेप्टिक नॉब में से एड्रेनलिन नॉरेडिनलिन या एसिटाइलकोलाइन निकलता है, याद कर रहे हो, ये टीलोडेंड्रिया यहाँ से क्या निकलता है दिखा भी दे, सिनेप्टिक नॉब से क्या निकलता है स्टिल कोलीन निकलता है या दूसरा निकल सकता है, स्टिल कोलीन निकल सकता है या एड्रेनलिन निकल सकता है, दूसरा क्या निकल सकता है एड्रेनलिन निकल सकता है, नॉरेडिनलिन निकल सकता है, अब हम क्या करो के लिए, निकला था निकला दे बुक में नहीं लिखा है, कहो सर जी बुक हम लिखे तो हम क्या करें, बुक में नहीं लिखा है, एस्टिल कोलीन निकल सकता है एड्रेनलिन से, नॉरेडिनलिन निकल सकता है, लेकिन मोस्टली क्या निकलता है एस्टिल कोलीन, क्या निकलेगा एस्टिल कोलीन, इतना कुल याद कर बो क्या करे यार, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर ही है, हर हार्मोनोमे वाला है ये, यही हार्मोनोमे, यही अंतर हो गया, इधर देखिए न्यूरोट्रांसमीटर एंडोक्राइन, इधर देखिए ये एड्रेनलिन जो होता है फ्री नर्व एंडिंग से जो निकलता है, किससे निकलता है फ्री नर्व एंडिंग से, और निकलने के बाद डायरेक्ट रिसेप्टर सेल के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, एकदम हार्मोन है, हार्मोन एक मैसेंजर की तरह कार्य करता है, बोलिए हाँ बोलो यार, हार्मोन एक मैसेंजर की तरह कार्य करता है, हार्मोन निकला यहाँ से, रुक जाओ कभी सिनेप्सिन पढ़े कुछ कहा पढ़बो, देखो यह सिनेप्सिस है, ये लो देखो ये सिनेप्सिस है, यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर एड्रेनलिन निकला, यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं इसको रिसीव कर लेती हैं, डायरेक्ट काम होता है, समझे हो, ये भी डक्टलेस ग्लैंड से निकल रही है एक तरह से, बोलिए ना, न्यूरॉन तो खुद डक्टलेस ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है, नहीं निकलता डायरेक्ट ही काम कर रहा है सेल न्यूरॉन में, तब इम्पल्स भागता है इसमें से, इसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे भागेगा, हमरा सपोज कर लो हम 1.5 फीट के हैं,
सपोज कर लो 1.5 फीट के, 1.5 फीट के है नहीं लेकिन हम बता रहे हैं, मान लो अच्छा 1.5 मीटर के मान लो, 150 सेंटीमीटर का, 155 सेंटीमीटर मान लिए हो, माने हो। अब यहाँ से न्यूरॉन चलेगी क्या, पैर तय करके न्यूरॉन इतनी बड़ी हो जाएगी, लगभग 2 मीटर की न्यूरॉन हो सकती है, नहीं तो जाहिर बात है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथे, चौथा पचास कनेक्ट होगा ना, तो कनेक्ट होता सिनेप्स के द्वारा कनेक्ट होता है ना, वो सब इम्पल्स भेजती जाती है, तो इम्पल्स वाई इसे जाता है सिनेप्स के थ्रू। वही हार्मोन वाला है, बस बात खत्म, बस हार्मोनमय है ही। हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है, हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य कर रहा है। और बोलिए कुछ परेशानी, यह देखिए इसीलिए एड्रेनालिन जब इधर देखिए, इसीलिए एड्रेनालिन डोपामिन बाहर जब ले जाता है तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। एड्रेनालिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाता ही करता है ना, तो एड्रेनालिन यहाँ से भी निकलेगा वो भी स्टिमुलेट कर बढ़ा देता है, बात समझ रहे हैं ना। एड्रेनालिन हार्मोन वाला ही है ये, और कोई लेकिन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह। कोई टेंशन, आगे चलते हैं, अभी नहीं। मेन सेल बॉडी क्या है, हम हमसे पूछो हम बताए, इधर देखो स्टिमुलेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर का चार नाम बता दे रहे हैं, याद कर लियो। न्यूरो ट्रांसमीटर जो स्टिमुलेटरी हैं वो चार हैं, एसिटिलकोलीन है, एड्रेनालिन है, नारेपिनेफ्रिन है, सॉरी एड्रेनालिन है, पहले एसिटिलकोलीन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, नारेड्रेनालिन होगा, डोपामीन हो गया, डोपामीन, ये स्टिमुलेटरी हैं जो स्टिमुलेट करते हैं इम्पल्स को, ठीक है। और दो इनहिबिटरी होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो कोई बताता ही नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, उसको बोलते हैं GABA, हम लोग मशीन में पढ़ाते हैं तो अच्छे जब हायर लेवल पे, तो वहाँ पे GABA गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड देख लीजिए, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा फट से। ग्लाइसिन यहाँ हमने बुक अब नहीं मिली है, यहाँ नहीं मिली है, होगा का टप्पर आवा था, ग्लाइसिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लाइसिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लाइसिन और GABA चार स्टिमुलेटरी। डोपामिन सिंथेटिक है, समझ रहे हैं ना, जिसे कहते हैं ड्रग लेने के कारण उनका शील्ड छीन लिया गया, नहीं कहते हैं खिलाड़ी का धावक का मेडल छीन लिया गया, डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, उसने डोपामिन बाहर से लिया ताकि स्टिमुलेट हो जाए काम और बहुत तेज हम काम कर जाएं, बात समझे हो। जो अचानक गुस्से में आप आते हैं तो जैसा लगता है जोश इतना आ जाता है जैसे लगता है दिवलिया तोड़ देंगे भैया हम, ऐसा लगता है कि नहीं लगता, और वही समय के 47 समाज तो गुस्से में हो पड़ पड़ लगता है चला दे के बाद देखा जेल में जाएगा, उस बाद में देखा जाइए, हमारी बात समझ रहे हैं। उसको उस समय जो इतना एडजस्ट करवाता है मारने के लिए और उसको मरने के लिए, दोनों के लिए एडजस्ट कराता है कौन, एड्रेनालिन, डोपामिन सिंथेटिक है ना यार, एड्रेनालिन नारेड्रेनालिन यही करता है मेंटेन हमें। जैसे आप बैठे हो धमाधम पड़ा पड़ पीटने लगे, चेहरा लाल हो जाए, खूब मारे इधर देखो, मारने के बाद फिर आप डर के मारे चलो भाई सारे ना बोलेंगे, बोलिए ना यही करेंगे ना, ना बोलेंगे चेहरा लाल हो जाएगा। उस समय आपको जो पीड़ा सहने की क्षमता दिया वो कौन दिया, एड्रेनालिन और नारेड्रेनालिन, आप समझे हो। इनहिबिटरी इन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दोनों अंतर यही है, सुनिए हम बताने जा रहे थे। मेन सेल बॉडी साइटॉन, इससे निकला हुआ ढेर सारी ब्रांचेज जो क्या है वो डेंड्राइट्स, याद किया रहिएगा सब, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, बोलो हाँ यार जी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है ना, और इसके चार तरफ निसेस ग्रेन्यूल, किसका बना होगा, क्वेश्चन नीट का, RER और राइबोसोम का, RER और राइबोसोम क्वेश्चन नीट का है। निसेल ग्रेन्यूल क्या है, क्वेश्चन नीट का है। फिर इसके बाद ऑल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, माइटोकांड्रिया गॉल्जी बॉडी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लाइसोसोम राइबोसोम, इधर देखो मत लिखो सुनो पहले, माइटोकांड्रिया गॉल्जी बॉडी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लाइसोसोम सब कुछ पाया जाएगा, लेकिन क्या नहीं पाया जाएगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होगा। फिर मेन यहाँ जो ब्रांच निकलती है उसका नाम एग्जॉन है,
क्या नाम है, एग्जॉन, क्या नाम है, एग्जॉन होता है। एग्जॉन के चारों तरफ इधर देखिए श्वान सेल की बनी हुई क्या है, श्वान सेल से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, अमा न्यूरॉन से, श्वान सेल से घिरा कि ना घिरा है, यहाँ से श्वान सेल है ये, बोलिए ना। अम्मा श्वान सेल इसी को सेलवा ही दिखाई देगी ना, तो ब्रंजिंगियाँ दिखाई दे रही ना। श्वान सेल, श्वान सेल क्या रिलीज करती है, क्या सिक्रेट करती है, वो माइलिन सेत बनाती है। माइलिन सेत क्या है, फैट है, फैटी सबस्टेंस है। क्वेश्चन फिर नोट नीट का क्वेश्चन है, माइलिन सेत किसका बनाता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलेंगे आप, फैट, याद कर रहे हो, बोलिए। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है आरबीसी में 52% आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन पाया जाता है, 40% लिपिड पाया जाता है, 8% में बाकी कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोकैलिक्सम मिला के, यही ना। लेकिन अगर पूछेगा माइलिनेटेड न्यूरॉन में तो 70% फैट देता है, लिपिड देता है। अब आप फैटी सबस्टेंस लिपिड देगा तो घबराओ ना, सर जी ना बताए रहे हमें फैट बताएँ, चौंक तरह मुझमें बनाया हुआ जानते रहे का, देखो समझ रहे हैं ना, लिपिड फैट बीच बीच में गैप होता है, बोलो जी क्या है सर, बीच बीच में क्या है गैप, उस गैप को क्या बोलते हैं, क्यों कहते हैं इसको, रणवीर साहब ने खोजा था अकॉर्डिंग टू अदर्स, रणवीर साहब ने खोजा था, रणवीर, यही ना। हाँ, और पीछे जाएंगे टर्मिनल एंड ऑफ एग्जॉन, फार्म ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया नॉब लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, उसको बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक नॉब, कोई परेशानी है, नहीं है, सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। और इसे सिनेप्टिक नॉब से क्या निकलता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, स्टिलकोनी हो सकता है, एड्रेनलिन हो सकता है, नॉन एड्रेनलिन हो सकता है, कुछ भी निकल सकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, बोलिए ना, डोपामिन भी निकल सकता है, बोलिए। और इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए बर्थ के बाद ये डिवाइड नहीं करती, समझ में आई बात। इसमें से किसी कोई दुख तकलीफ है, इसको एक अक्षर लिखने की ज़रूरत है, बोले यार चार छः पॉइंट लिख दे रहे हैं, फिर भी आपकी कृपा से। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है ये पूछेगा तो कोई क्या बताएंगे, नीट का फिर क्वेश्चन, माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, आप लोगों में भी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन पाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछ देगा क्या मैमल में माइलिनेटेड न्यूरॉन ही पाया जाता है, नॉन माइलिनेटेड नहीं पाया जाता, तो आप कहेंगे नहीं, हम कहेंगे हाँ पाया जाता है, क्योंकि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या सोमेटिक नर्वस सिस्टम में यही पाया जाता है, नॉन माइलिनेटेड है, खोपड़िया में और स्पाइनल कॉर्डवा में ही पाया जाता है, तो क्या करेंगे आप, दुखी हो जाएंगे, इनवर्टिब्रेट हो जाएंगे, वर्टिब्रेट हो जाएंगे, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स नहीं होंगे ना, मैमिले रहेंगे ना, तब क्या दुख है। अब आपको जो पढ़ना है इसके बाद दो क्वेश्चन पूछो तू, अगर राइबोसोम अलग भी रहता है, राइबोसोम अटैच भी रहता है, अलग भी तो है, अलगू तो है, वो अलग भी रह सकता है वो, हाँ और क्या,
आपकी बॉडी में राइबोसोम कई प्रकार के पाए जाते हैं? 80s ना, कई फार्म में? दो फार्म में। कौन फार्म? पहला अटैच फार्म में, दूसरा फ्री फार्म में। कहाँ रहते यार, बहुत दुखद घटना है ये सब। तो वही बात उनसे कहा, हमसे पूछे कि डायरेक्टर तो 2 मिनट का आंसर लो, क्या डिस्कस कर रहे हो बैठ के, हमसे पूछो खर्च तुरंत बताएं हम। अरे यार सेल पढ़ते हो ना, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस पढ़ते हो, न्यूक्लियस पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लो ये राइबोसोमेटाइज्ड है, ये पढ़ते हो ना, फिर ऐसे अलग अलग से राइबोसोम नहीं देखते हो, काहे के लिए देखते हो? ये पागल है, यहाँ खड़ा है, तब इसका भी कोई फंक्शन होगा ना, कोई रोल होगा, इसका भी कोई रोल है, तो आपको कोई दुख है? नेक्स्ट हो गया, इधर देखो, क्या करना चले चलेगा, वही बढ़ता जाता है, बढ़ता है। इधर देखो, बर्थ के बाद न्यूरॉन सेल इनलार्ज कर सकता है, इलांगेट कर सकता है, डिवाइड नहीं कर। अब कहेंगे सर जी जब छोटा लकवा रहा तब तो हमें इतने बड़ा न्यूरॉन रहा हुई है, इतने न्यूरॉन रहा हुई है, और जब बड़ा हो गया इतना न्यूरॉन हो गया होगा, तब कैसे बताएंगे? हम कहेंगे बेटा वो न्यूरॉन बड़ा हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ। अब आप कहेंगे सर जी बड़ा कैसे हुआ? अरे साइज उसकी बड़ी हुई, डिवाइड नहीं किया वो। और कोई दुख है बताओ? अब इधर देखो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन इधर देखो, हम क्वेश्चन का निकोल के बकुला देते हैं उनमें से, हाँ बकुला नहीं बकुला देते हैं, छिलका देते हैं इसका। हाँ यहाँ बकुला कहाँ जाएगा, उधर साइड बेचारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। सुनो आगे, साइटान जो होता है, इधर देखिए न्यूरॉन, मेन सेल बॉडी कौन है? साइटान होता है इसका पहला पॉइंट, एक पॉइंट पे के दो तीन पॉइंट लिख दे रहे हैं। मेन सेल बॉडी क्या है? साइटान, विच कंटेन मेन सेल बॉडी? साइटान, विच कंटेन मेन सेल बॉडी क्या है? साइटान, विच कंटेन न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस साइटोप्लाज्म निसल्स ग्रैन्यूल माइटोकांड्रिया, बुक में नहीं दिया हुआ है, हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, माइटोकांड्रिया लाइसोसोम लाइसोसोम्स हो गया, ये हो गया RER प्लस राइबोसोम हो गया, और क्या होगा? हो गया लाइसोसोम ETC, बट नो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम नहीं होता, हेंस इसीलिए आफ्टर बर्थ, ये आफ्टर बर्थ ये क्या होती हैं? दे कुड नॉट डिवाइडेड, दे कुड नॉट डिवाइडेड, डिवाइड नहीं करती बेचारी, क्या करेंगी? ये मेन सेल बॉडी साइटान है, ये साइटान की बात हो रही है, मेन सेल बॉडी साइटान। दूसरा है डेंड्राइट्स, several branches arises from cyton called
डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में इंपल्सेस किधर चलती हैं? इन डेंड्राइट्स इंपल्सेस मूव टुवर्ड साइटान। हो गया डेंड्राइट्स। इन नो नो वो बात नहीं बता रहे हैं। इन डेंड्राइट्स इंपल्सेस move from in dendrites impulses move from dendrites towards kidhar ki taraf towards cyton ki taraf move karta hai। हो गया साइटन की तरफ मूव करता। याद रखिएगा जैसे अगर ये ब्रांचिंग है, सपोज कर लो ये एक्सॉन है, ये ब्रांचिंग है, ये कौन है डेंड्राइट्स है, बोलो ना। तो इसमें इंपल्स इधर भागेगा, इसमें इंपल्स किधर भागेगा, और लेकिन एक्सॉन में इंपल्स हमेशा कहाँ भागता है, दूर। एक्सॉन में इंपल्स हमेशा कहाँ भागता है, दूर। किससे दूर भागता है, साइटान से दूर, और ये साइटान की तरफ। डेंड्राइट्स में साइटान की तरफ, एक्सॉन में साइटान से दूर। याद रहे, कभी इधर नहीं जा सकता, उल्टा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। एक्सॉन में साइटान की तरफ मूवमेंट इंपल्स का नहीं हो सकता। हमारी बात समझे। नेक्स्ट है तीसरा, एक्सॉन मेन ब्रांच कॉल्ड एक्सॉन कवर्ड बाय किसके द्वारा, माइलिन शीथ विच आर फॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा बनता है, बाई स्वान सेल्स। स्वान सेल्स याद रखिएगा, ये स्वान सेल्स को। माइलिन शीथ कैसा होता है, माइलिन शीथ इज, माइलिन शीथ कैसा होता है, माइलिन शीथ इज माइलिन शीथ इज कंसिस्ट्स ऑफ फैट आर लिपिड, फैट आर लिपिड। अब आ जाएगा तो खड़ा का बेटा, इस समय पूछेंगे, अब वीडियो खुद भेजेंगे, ये ख्याल कर रहे हो हाँ? स्वान, अरे यार स्वान ये सब साइंटिस्ट हैं जो डिस्कवर्ड किए हैं कुल पगले, कहाँ परेशान भय हो। स्वान कहाँ होता है, माइलिन शीथ कहाँ होता है, ये देखो। अब नोडा फ्रेनवियर कहाँ पड़ा, अब कुछ साइंटिस्ट का नाम बता भैया, करे कहाँ पड़ा, का सम्मान में पड़ा, इसके कारण पड़ा, कितना हम बताएंगे। नेक्स्ट, अब संस्कृत वाला तो वहीं जाना, हमें ना जाने की जरूरत है। हो गया फैट आर लिपिड। माइलिन शीथ इज, शीथ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर। माइलिन शीथ इज नॉट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बट इट इज, लेकिन इस क्या होता है ये, बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बट इट इज
प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल इंटरवल गैप इज कॉल्ड एज, गैप को क्या बोलते हैं, गैप इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं आर ए एन वी आई ई आर अपोस्ट्रोफियस, नोड ऑफ रेनवियर हो गया भाई। देखिए डेंड्राइट किधर किधर मूव हो कर रहा था इंपल्स साइटान की तरफ। नेक्स्ट है इन एक्सॉन मूवमेंट ऑफ इंपल्सेस, मूवमेंट ऑफ इंपल्सेस अकर्स, अकर्स मूवमेंट ऑफ इंपल्सेस अकर्स अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द साइटान, साइटान से दूर भागता है, बोलिए ना। और माइलिन सीथ क्या करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। माइलिन सीथ एक्ट एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करता है, बोलिए ना। एक्ट एज इंसुलेटर प्रिवेंट लीकेज ऑफ, प्रिवेंट लीकेज ऑफ किसको रोकता है, लीकेज ऑफ इंपल्सेस विच ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, विच ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ये हो गई कहानी ख़त्म। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस पढ़ना है, क्या पढ़ना है इरेज करें इसको, समझ में नहीं आया किस कोई ऐसी बहादुर लड़के इसको समझ में आया हो, समझ में आया नहीं आया आपको, आया थोड़ा थोड़ा आया आपको, आया भाई इधर देखिए, इधर देखिए गुंजन जी, आप समझ में आया, अच्छा आप लोगों को महोदय हाँ तो बोलो क्या पूछ रहा है वो, हम बताएंगे, आप पूछिए हम बताएंगे, ना पूछबो तभी बताएंगे। हो गया यहाँ तक, अब आपको दो लाइन बातें बता दे रहे हैं, एक ये भाई दो लाइन और लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। मैमल्स में माइलेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, मैमल्स में माइलेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। अब देखो तेरे क्वेश्चन की समस्या का समाधान मिल गया ना, हो कोई दुख तकलीफ अपना है ना, ये देखो माइलिनेटेड न्यूरॉन दो जगह पाया जाता है ह्यूमन बींग में, देखो
मैमल्स में कहाँ पाया जाएगा, माइलेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पाया जाएगा, ऐसा लिखते हैं, फाउंड इन, ऐसा तरीका ऐसा बना कि माइलेटेड न्यूरॉन्स फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड्स में, ये नीट का क्वेश्चन है दोनों, ब्रेन स्पाइनल कार्ड याद कर रहे, नीट का क्वेश्चन बहुत ज्वलंत क्वेश्चन है। दूसरा नॉन माइलेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलेटेड न्यूरॉन में क्या होता है, सबसे आगे बायोलॉजी हमारे यहाँ चल रही है तगड़ा एकदम, मन 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 मन, सातवां चैप्टर जा रहा है पढ़ने, आप छः चैप्टर हो गया, सातवां चैप्टर पढ़ने, छः हो गया, छः होने जा रहा है, ख़त्म होगा, छठवां चैप्टर है, सातवां चैप्टर फिजियोलॉजी, 16-20 क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, ज़्यादा आएगा तो 20-21 आ रहा है, 16 कम से कम एक करेगा। ये नॉन माइलेटेड न्यूरॉन फाउंड इन, फाउंड इन कहाँ पाया जाएगा, दो जगह, और वो दो प्लेस कहाँ है, पहला ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, बुक में देखिए लिखा आपके एनसीईआरटी में, ये आपके बुक में है, बुक का है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो पढ़ा वो भी बुक का ही था, पहला। दूसरा किसे पाया जाता है, सोमैटिक, देखो इधर याद कर लियो, एक ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, ये ब्रेन स्पाइनल कार्ड पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दो चीज का। अब आपसे कोई पूछे बताइए मैमल्स कई प्रकार के न्यूरॉन पाए जाएंगे, तो दोनों बोलते हो ना, कि मैमल की बात चल रही है, किसकी बात हो रही है, मैमल्स की, बोलिए आगे आपको पढ़ाना है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस अक्रॉस द सिनेप्स, क्या पढ़ाना है, हैंड डालिए, सॉरी कंडक्शन नर्व इंपल्सेस था, सॉरी पहले नहीं पढ़ाना है, इरेज करें अब, ना पकड़ पाओ, ना पकड़े बताओ, पकड़वा दें हमको, ऐसा पकड़ो जाने न पाए इम्तहान तक, ऐसा पकड़ो एग्जाम तक जाने न पाए, देखिए अगला टॉपिक जो पढ़ना है कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस impulses across the conduction of impulses in neuron, neuron में impulse का conduction कैसे होता है, conduction of impulses in neuron, neuron में कैसे impulse का conduction होता है, यही आपको बताना है, वही है वही। सुनो आप लोग ही सोचते होंगे, इधर देखिए झुनझुनी आपको क्यों चढ़ती है, पैरवा दबा के बैठने पे झुनझुनी आ जाता है गुड़वा ना, जब झुनझुनी पकड़ती है तो पैरवा जैसे झुनझुनी करने लगता है, जैसे उठा नहीं पाता, कभी ऐसा महसूस हुआ आप लोगों को, किसको महसूस हुआ है, आप लोगों को, आप लोगों को हुआ होगा, ऐसा कहे के लिए होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, हैं? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस रुक जाती है तो ऐसा होता है, समझ रहे हैं ना, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा, फास्टेस्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस अकर्स इन मैमल्स,
फास्टेस्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस अकर्स इन मैमल्स, सबसे तेज जो इम्पल्सिस चलता है वो कहाँ चलता है? मैमल्स में, बाकी सब में नहीं। फिर दूसरी बात जो बता रहा है उसको भी देखिए, फास्टेस्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस अकर्स इन मैमल्स। दूसरा, दूसरा जो होता है आपको बता रहे हैं उसको, दूसरा जो बता रहे हैं उसको समझिए। दूसरी बात क्या होती है, जो नर्व इम्पल्सिस चलता है वो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में +35 to +45 मिली वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है नर्व इम्पल्स के रूप में, और वो दौड़ता मिली वोल्ट का है। सौभाग्य ये है, वोल्ट का होता तो मारता झटके, आप हम लोग झटका मारते ना, बोलिए ना, एक को झटका लगता तो को पटका लगता, ये होता झटका तो पटका, बोलिए ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, +35 to +45 मिली वोल्ट है, पता ही नहीं चलेगा आपको, चला दो इलेक्ट्रिक करंट, दौड़े दो, कितना दौड़ेगा वो। दौड़ने के लिए ना देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि सोडियम पोटेशियम पंप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीन में स्टेप में कंप्लीट हो जाता है सोडियम कंडक्शन अपना पास, तीन स्टेप में खाली, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल, और तीसरा रिपोलराइजेशन, तीन में ही खत्म। नॉर्मल कंडीशन में बाहर की तरफ न्यूरॉन सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर निगेटिव चार्ज होता है। जैसे कोई स्टिमुलस दिया जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा बाहर निगेटिव हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिपोलराइजेशन। बात समझ रहे हैं? वो सब बताएंगे कल, क्योंकि मैं फिगर ड्रा करके भी आपको हम समझा नहीं पाऊँगा, या तो फिर अब आप एक घंटे के तैयार हो तो तुरंत बना दें। बोलिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस तुरंत बता दें हम। बता दें, देखो इधर तीन स्टेप में पूरा होता है। पहला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज स्टेट। दूसरा है डिपोलराइजेशन, या इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं इम्पल्स। इसे क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्सेस। हो गया नर्व इम्पल्सेस। तीसरा होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सॉरी हाँ सॉरी, तीसरा है रिपोलराइजेशन। हो गया, तीसरा क्या होगा? रिपोलराइजेशन। पहला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा डिपोलराइज, तीसरा रिपोलराइजेशन। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले हेडिंग देखेंगे आप क्या, पहला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बोलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इरेज करें इसको, हम्म।
देखिए ये देखिए तीन फिगर देखना पड़ेगा आपको, तीन फिगर देखिए, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आईने की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन है थोड़ा सा हल्का स्टिपिकल लगेगा, लेकिन है बहुत इजी, कुछ है नहीं। पहला फिगर देखिए, दूसरा फिगर देखिए, तीसरा फिगर देखिए। देखो इधर, पहले में बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, बोलिए ना। ऐसा क्यों हुआ? दो कारण से, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम। ऐसा क्यों हुआ? सोडियम पोटेशियम पंप के कारण पोटेशियम पंप के कारण और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के कारण। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप में इधर देखो, तीन सोडियम आयन बाहर जाता है, तीन सोडियम आयन कहाँ जाता है? बाहर। इसको बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में। ये कौन है? ICF है, या इसको एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सोप्लाज्म। ICF मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूड, इसको बोलते हैं ना ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। हो गया, बाहर क्या सोडियम आयन जा रहा है? तीन सोडियम, अंदर क्या पोटेशियम आयन आ रहा है? दो ही पोटेशियम आयन अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। ये देखो, ये बोलिए ना, किसके द्वारा आता जाता है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, किसके जरिए आ रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा, एनर्जी इसमें खर्च होती है खूब ज़्यादा। अम्मा जब मैं इधर देखिए, पोटेशियम अंदर आ रहा है, तो अरे बोलते ना, हाँ कै पोटेशियम अंदर आ रहा है, सोडियम कट जा रहा है, तो बाहर किसके किस चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी? किस चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी? पॉजिटिव ना। अरे सोडियम ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दो अंदर है, तीन बाहर गए, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज बढ़े हुए करेगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया, अंदर इधर देखो, अंदर पोटेशियम कम भी है, निगेटिव चार्ज भी है, प्रोटीन भी है, निगेटिव चार्ज प्रोटीन भी है, जिसके कारण क्या होता है? माइनस। यहाँ पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। ये है क्या? एक्सोलेमा, नहीं क्या, एक सजी डब्बा बनाए हैं ये। और ये कौन? एक्सोप्लाज्म है, जिसको इंट्रासेलुलर फ्लूड आप बोले हैं। एक्सोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूड, या इसको और एक टर्म दे सकते हैं, इसको न्यूरोप्लाज्म भी कह सकते हैं, या साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो आप। बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है, पोटेशियम आयन अंदर कम है, बोलिए ना। और निगेटिव चार्ज पोटेशियम, जिसके कारण निगेटिव चार्ज होता है, -70 mV का चार्ज आता है यहाँ पे, -70 mV का। बुक में आपके नहीं लिखा, लेकिन ज़्यादा ना लिखे, हम भी का लिखें। इसको बोलते हैं क्या? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बोलिए ना। फिर क्या किया आपने? ऐसे स्टिमुलस दिया, इधर देखिए, जैसे स्टिमुलस देंगे आप, ये बनाना भी है आपको, जैसे स्टिमुलस देंगे तुरंत देखो, मान लो ये ए साइट है और ये बी साइट है, इसका भी ये ए साइट है और ये बी साइट है, बोलिए ना। तो अंदर तरफ क्या हो जाएगा तुरंत है?
निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अरे बोलिए ना, हाँ क्या है, क्यों होगा? ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन के अंदर आने के कारण जैसे ही कोई स्टिमुलस दिया जाएगा, कोई फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस दिया गया, हमारा तबाह हुई है ना। पहले इतना बोलो इतना बताओ, अभी हम कुछ ना बनाए हैं, पहले जो हम बता रहे हैं उसको सुनो। जब हम कोई स्टिमुलस देंगे, जैसे ही कोई स्टिमुलस दिया जाएगा तैसे ही क्या हो जाएगा, सोडियम आयन का दरवाज़ा खुल जाएगा, सोडियम आयन का दरवाज़ा खुल जाएगा, गेट। तो गेट यहाँ लगा का, अरे चैनल प्रोटीन होंगे, खटखट कर अंदर घुसा देंगे। जब अंदर घुस जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऊपरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। भागा इम्पल्स हो गया, आप देखो ए टू बी साइड में, और उसके ऊपर बाहर अभी पॉजिटिव हुई है, ऐसे भागता जाएगा, बताएंगे हम अभी कैसे भागेगा। भागे देव, आपने कह दिया, हमने पढ़ा दिया, आप सोचेंगे सर जी इतने लग रहा पढ़ के आते तो नहीं पढ़ा पाते, हम तो पूरे चैप्टर में मारते थे, ख़त्म हो जाता झम झम झम। इधर देखो, इधर क्या है, निगेटिव। कोई क्वेश्चन को तुरंत आंसर हो गया इधर। अब देखिए क्या होगा, अंदर अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाए, इधर देखो यार, इधर यहाँ देखो तस्वीर में, ये नहीं बुग्गा बन जाओगी, इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगी, इसमें प्लस 35 टू प्लस 35 टू प्लस 45 का क्या हो जाएगा, एमवी का, मिलीवोल्ट का चार्ज एपियर होगा। कैसे एपियर बता रहे हैं, एपियर होगा, हो गया, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, इसी को बोलते हैं क्या, डिपोलराइज। ये पहला था, ये दूसरा हो गया, ये वाले फिगर हो गया। डिपोलराइजेशन में प्लस 35 प्लस 45 मिलीवोल्ट का चार्ज एपियर हुआ, जो इसमें इधर है, क्यों ऐसा हुआ, सोडियम आयन के फ्लक्स के कारण। देखो जरा, इम्पल्स ऐसे भागेगा, अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है किधर भागेगा, अंदर ए टू बी साइट, अंदर ए टू, अरे बोलते ना रहा, इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा ना ए टू बी में, पॉजिटिव टू निगेटिव, फिर इधर इधर घूम जाएगा ऐसे, फिर ऐसे चलेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा ना, अंदर ए टू बी साइड, बाहर बी टू ए साइड। क्वेश्चन पूछता है आपसे, यूनिट का क्वेश्चन है, समझ में आया हो, बोलो यार। अब देखो इम्पल्स, अब इधर देखिए इम्पल्स ये भाग रहा है, जैसे इम्पल्स इधर आगे बढ़ेगा, जैसे देखो इधर भागेगा वैसे ही क्या हो जाए, मान लो इम्पल्स यहाँ ए यहाँ गया, बी यहाँ गया, मतलब यहाँ से यहाँ भाग गया, ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, फिर नॉर्मल कंडीशन आना चाहिए ना, बोलो ना, और नॉर्मल कंडीशन नहीं है तो नॉर्मल इम्पल्स दूसरा आएगा ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इधर क्या हो गया, ये चल रहा है, बोलिए ना, बाकी पॉजिटिव ही है, ये क्या हो गया, सपोज ए टू बी साइड था, ये सी टू डी साइड है, सी टू डी साइड, तब भी इधर भागेगा ना, बोलो ना, ये होगा कि नहीं होगा, तब तक यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया, दूसरा इम्पल्स देने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, पोटेशियम आयन कहाँ जाने लगा, बाहर,
सोडियम आयन का दरवाजा बंद हो गया, जो सोडियम अंदर जा रहा है तो सोडियम आयन का दरवाजा बंद, पोटेशियम आयन कहाँ जाने लगा, बाहर, पोटेशियम आयन के बाहर जाने के कारण फिर क्या हो गया, बाहर पॉजिटिव, बता रहे हैं आपको, पोटेशियम आयन को यहाँ अंदर में ठूसा गया था, ठूसने का मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, किसी को ठूसने को एनर्जी लेकर ढोकर पकड़ो फेंक दो, बाक एनर्जी चाहिए ना के लिए, सोर्स फोर्स और मनी, सोर्स है हमारे हमारे चचा प्रमुख है, मंत्री है, मंत्री है, अरे देखो हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तुरंत हाँ ठीक है हो गया, यहाँ सोर्स चलता है, फोर्स इधर देखो, सुनो अब देखो, ये देखो फोर्स यहाँ लगा कनपटी पे काम हुई है कि नहीं, तुरंत अच्छा ठीक पसीना फेंक के करेगा, तीसरा कौन मनी, ये काम करना था यार, अरे कल आइएगा, अरे यार 10,000 ले लो, 1,000 कम 10,000 यहाँ थमा तो 3 दौड़ के, अच्छा भैया साफ कर रहे हैं, तुरंत खर्च कर देगा, तो यहाँ पे ना न सोर्स है न मनी है, यहाँ पे केवल क्या है फोर्स है, वो भी किस रूप में, ATP के रूप में, यहाँ ठूस रहा था पोटेशियम आयन, ठूसाया था यहाँ सोडियम आयन, यहाँ ठूसाया था, बाहरे गवा रहा, ठूसा गया, चल बारे भाग बारे भाग बारे भाग, अंदर आ अंदर आ अंदर आ, तो किसी कारण बस अंदर ठूसा गया है, इसको बाहर ठूसा गया है, तो इधर देखो जब ठूस दिया गया था तो भागना चाहेगा ना, जैसे इसको मौका में दरवाजा इसका खुला, सुनो सोडियम आयन का दरवाजा यहाँ बंद हो गया जो अंदर आ रहा था, इधर तो सोडियम का दरवाजा खुला है तब ना सोडियम आयन जल्दी जल्दी अंदर आया, ये देखो दरवाजा खुला तब ना सोडियम आयन अंदर आया, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट डेवलप हो गई, A to B साइड अंदर जा रहा है, B to A साइड बाहर जा रहा है, बोलो ना यार, बोलिए ना, अब दरवाजा जैसे ये इम्पल्स आगे बढ़ा सोडियम आयन अंदर घुस रहा है, इधर दरवाजा बंद हो गया, अब दरवाजा किसका खुल गया, पोटेशियम आयन का, भैया तू जाओ जैसे मौका मिलेगा भागेगा कि रुकेगा, वहाँ ठूसाया भागेगा ना, तो भागने का मौका इसको मिला भागा, जैसे भागेगा तो बाहरों पॉजिटिव चार्ज बनाएगा नहीं बनाएगा, तो क्या है रिपोलराइजेशन होगा कि नहीं होगा, और बताएं और कुछ दुख तकलीफ है, बोलिए भाई कल मुलाकात फिर होगी, चलते हैं हम एक बार फिर बता दे रहे भाई, देखिए एक मिनट गुंजन का इच्छा है फिर बता, सुनो बाहर इधर देखो सोडियम पोटेशियम पंप के कारण बाहर पॉजिटिव चार्ज अंदर निगेटिव चार्ज, बोलिए ना सोडियम 3 बाहर जा रहा 2 अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा, इसमें एनर्जी खर्च होती है, इसमें क्या होती है एनर्जी खर्च होती है, ATP से आता है, तो बाहर क्या हो गया पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, प्रोटीन अंदर है, बोलिए ना पोटेशियम 2 अंदर आ रहा है, सोडियम 3 बाहर जा रहा है, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, और निगेटिव चार्ज प्रोटीन अंदर है, इसके कारण भी होगा, बोलिए जैसे ही इम्पल्स, अगर जैसे कोई स्टिमुलस दिया जाएगा यहाँ पे, स्टिमुलस कोई उद्दीपन आपने दिया छू दिया, तुरंत क्या हो जाएगा ए साइड में सोडियम अंदर आने लगेगा, इम्पल्स भागे A to B साइड अंदर और B to A साइड बाहर, इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगी ना, +35 + 45 मिलीवोल्ट का चार्ज अपीयर हुआ और ये इम्पल्स से भागेगा, बोलिए ना जैसे इम्पल्स आगे बढ़ेगा, सुनो ए चुप, जैसे इम्पल्स बढ़ेगा बोलो ना, इम्पल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ सोडियम आयन का दरवाजा बंद, पोटेशियम आयन का दरवाजा खुल गया, तो पोटेशियम आयन जो अंदर ठूसा गया तो बाहर भागेगा ना, अरे बोलो यार अब बोलो, पोटेशियम बाहर भागे तो पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा, रेस्टिव फिर पोलराइजेशन होगा कि नहीं हो गया, ये तुरंत के लिए होता है ऑन स्पॉट के लिए, डिटेल जानकारी के लिए फिर कल, फिर डिटेल जानकारी के लिए फिर, हाँ तो